मेरे पास एक बोर्ड है जो कि देख सकते हैं 13269-1 3542 का ये बोर्ड है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको डीसी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ जो डीसी का लोड है वो कितना कंज्यूम कर रहा है। तो डीसी मार कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एडिटर कनेक्ट करता हूँ। अडेप्टर कनेक्ट करने के बाद डीसी का जो लोड है वो 0.0 मतलब 2 डिजिट में 35 है। ये फोर्थ फिफ्थ जनरेशन का बोर्ड होता है, इसमें हमारा जो एम्पियर्स पिक करना चाहिए वो 1 डिजिट में होना चाहिए। अगर 2 डिजिट में करता है तो 10 to 12 के आसपास होना चाहिए। अभी जो रीडिंग ये कंज्यूम कर रहा है ये थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हो सकता है कि हमारे बोर्ड में शॉर्टिंग हो, माइनर शॉर्टिंग हो, कोई कंपोनेंट हीट हो रहा हो। क्योंकि बहुत सारे केस में जब बोर्ड में जब ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम होता है तो उसके अंदर, तो एक बार हम पूरे बोर्ड का इम्पीडेंस मेजर कर लेते हैं सप्लाई को बंद करके। डायोड रेंज पे हम इसे चेक कर लेते हैं कि कहीं पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि तो शॉर्टिंग के केस में भी आपका लोड थोड़ा सा ज़्यादा उठाता है या फिर ज़्यादा ही उठाने लगता है। डायोड रेंज पे है, यहाँ 19 वोल्ट का इम्पीडेंस ठीक है। यहाँ पर आपका 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का कॉइल है, तो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के कॉइल का इम्पीडेंस ठीक है। या रैम की कॉइल है, रैम की कॉइल इम्पीडेंस ठीक है। वायर्स के पिन नंबर 8, एलडीओ का भी आइडिया लग जाता है। ग्राफिक बोर्ड है तो ग्राफिक का भी इम्पीडेंस आप देख सकते हैं ठीक है। यहाँ पे 1.05 PCH की सप्लाई है और ये हमारी सीपीयू की कोर है। तो यहाँ तक तो ठीक है। बोर्ड को बैक साइड करके हम एक बार DC to DC सर्किट्स का भी इम्पीडेंस लेना ज़रूरी होता है, इसके लिए कोई क्वाइल नहीं होता यहाँ पर, फिर भी हमें इसका इम्पीडेंस लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ग्राफिक का भी इम्पीडेंस DC to DC है, तो इसका भी इम्पीडेंस ठीक है। हमारे बोर्ड में इम्पीडेंस तो ठीक है, फिर किस वजह से थोड़ा सा लोड ज़्यादा है? तो सप्लाई ऑन करके अभी जो लोड है वो 15 का लोड आ गया है। अभी जो लोड है 15, 18, 6, कम ज़्यादा हो रहा। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारे बोर्ड में कौन कौन सी रेल बन रही है, कौन कौन सी सप्लाई बन रही है ठीक है। तो एक बार हम सबसे पहले 19 वोल्ट को मेजर कर लेते हैं CLR के ऊपर। 20.7 देख सकते हैं DC मशीन के अंदर और मल्टीमीटर के अंदर सेम है। नाउ स्टेप डाउन की वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो 3.3 एंड 3. ये वोल्टेज देख सकते हैं यहाँ पे अप डाउन हो रही है। ये वोल्टेज अप डाउन हो रही है, अभी नहीं बन रहा है, अभी बन के फिर कम ज़्यादा हो रहा है ठीक है। लेकिन जो 3.3 की रेल है हमारी वो 3.3 है, अभी इसमें हल्का सा वेरिएशन है ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 5 वोल्ट की कॉइल है ये अप डाउन हो रही है। क्यों हो रही है अप डाउन? और सप्लाई भी बंद हो गई थी, सप्लाई ऑन कर दिया है मैंने लेकिन बोर्ड प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है। देखो 3542 के अंदर बहुत सारे कॉमन फॉल्ट्स हैं जिसमें इस बोर्ड का सबसे फेलियर जो सर्किट है, अगर 3-5 की प्रॉब्लम में आए तो। ऐसे तो 3.3 बन रहा है लेकिन 3.3 के अंदर भी थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन है। आप यहाँ पर देखें 3.3 के अंदर 3 पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का सा फ्लैक्चुएशन 3 पॉइंट में भी है ठीक है। और 5 वोल्ट के अंदर
भी फ्लैक्चुएशन है, कभी बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है, कभी कम बन रहा है। तो स्टेप डाउन के अंदर अगर फ्लैक्चुएशन होती है, पहले आपने देखा लोड ज्यादा आ रहा था, तो इसमें आपका एक सर्किट होता है जिसका नाम है पीएसएल सर्किट, पावर स्विच लॉजिक, जो आपके एसआईओ के पास होता है। यहाँ पर आप चीजों को देख सकते हैं, मैं आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। स्टॉप स्टार्ट, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा स्टेप डाउन सर्किट है। ये Q2402 और Q2403 आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। तो जो आपका Q2402 और Q2403 है, ये जो दो मॉस्फेट्स हैं हमारे, इनके अंदर तो ये Q2402 और Q2403 ये हमारे PSN के मॉस्फेट्स होते हैं। एक पी चैनल और एक एन चैनल होता है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ओके कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने PSN सर्किट पढ़ा है तो इनके दोनों के गेट्स जो होते हैं, एक पी चैनल और एक एन चैनल, दोनों के गेट पे 0 वोल्ट होना जरूरी है। ठीक है, अगर वोल्टेज है तो स्टेप डाउन के अंदर प्रॉब्लम आएगी, स्टेप डाउन वोल्टेज नहीं बनेगा। लेकिन इस केस में हमारे पास स्टेप डाउन वोल्टेज बन रहा है लेकिन फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो पहले मैं एक बार इसका पीएसएल लॉजिक सर्किट ही देखूंगा, देन आईसी वाईसी के ऊपर मैं जाऊंगा। मैं आईसी भी रिप्लेस करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को जो गेट है वो लेफ्ट हैंड जो पढ़ने वाला है, ये मुझे लेफ्ट हैंड आएगा, ये लेफ्टी लेफ्ट है मेरे लिए। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ का गेट पे जो है वो 0 वोल्ट होना चाहिए, जो कि हमारा वोल्टेज है, ये गलत है। दूसरे का गेट दिखाऊं तो लेफ्ट जो आप पढ़ने वाला है मुझे, ये लेफ्ट है मेरे लिए। यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज है, ये गलत है, यहाँ वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ज्यादातर प्रॉब्लम तो इस मॉस्फेट्स की ही निकलती है। जैसे पीएसएल लॉजिक का जो सर्किट है वो आपके एसआईओ से बनता है, लेकिन इसमें फेलियर जो होता है सर्किट वो मॉस्फेट्स होता है ज़्यादातर ना। तो मैं अभी आपको इसमें मॉस्फेट्स को रिमूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से मैं एक पी चैनल एक एन चैनल के मॉस्फेट्स को निकाल देता हूँ। एक मॉस्फेट्स मैंने निकाल दिया है, अभी मुझे नहीं पता कि वो पी चैनल निकाला है या एन चैनल निकाला है, क्योंकि तो अगर पी चैनल का काम होता है सोर्स और ड्रेन के ऊपर 3.3 वोल्टेज रखना, और एन चैनल का काम होता है सिर्फ ड्रेन के ऊपर वोल्टेज होनी चाहिए, गेट और सोर्स 0 वोल्ट होना चाहिए एन चैनल के मॉस्फेट्स में। थोड़ा सा इसको कूल होने देते हैं, पावर कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, डीसी मशीन मार कर सकते हैं आप। अभी जो डीसी का रीडिंग है वो देख सकते हैं, डीसी रीडिंग भी फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है, और इसके गेट पे जिसका मैंने हटाया है, इसके गेट पे अभी कितना वोल्टेज है, मिली वोल्ट, आप यहाँ मार कर सकते हैं, मिली वोल्ट है, मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये पी चैनल है, पी चैनल के सोर्स पे 3.3 वोल्ट एंड ड्रेन पे 3.3 वोल्ट, नो एनी फ्लैक्चुएशन, फ्लैक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, देख सकते हो कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है इसके अंदर। अच्छा, मैं स्टेप डाउन की वोल्टेज चेक कर लूँ, कॉइल वोल्टेज जो फ्लैक्चुएशन थी वो अभी भी है या नहीं। तो यहाँ पर ये मेरा कॉइल का वोल्टेज 3.3 वोल्ट देख सकते हो, प्रॉपर 3.3 है, और यहाँ पर हमारा 5.2। ठीक है, अब कोई फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे केस में ऐसा भी है कि कई बार लोड जो है
थोड़ा ज़्यादा 45-50 का आता है, आपकी स्टेप डाउन आईसी हीट होती है, इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो कभी भी स्टेप डाउन की आईसी हीट होती है तो ज़्यादा फॉल्ट होता है कि आपके बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग्स है, मे बी एलडीओ की लाइन में या स्टेप डाउन के कॉइल की लाइन में। लेकिन कई बार इनेबल की प्रॉब्लम की, जैसे इसमें पीएसएल लॉजिक जो होता है वो स्टेप डाउन के इनेबल के लिए यूज में होता है, तो इन्हें पीएसएल लॉजिक फेलियर होने की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लमें देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने एन चैनल मॉस्फेट हटा दिया है, तो क्या ये बोर्ड ऑन होगा? जैसे मैंने बोला, एन चैनल का काम नहीं होता यहाँ पर, पी चैनल का काम होता है। एन चैनल डिस्चार्ज करने के सर्किट में रहता है एक तरीके से। मैं इस बोर्ड को ऑन करता हूँ, पावर बटन कहाँ पर है, और अभी सीमो सेल लगा है इसलिए ऑटो ऑन नहीं हो रहा है ये, तो ये इसका पावर बटन है। मैं ट्वीजर से इसको ट्रिगर करता हूँ और आप डीसी मार कर सकते हैं, देख सकते हैं बोर्ड ऑन हो गया और फैन भी स्पिन कर रहा है, ठीक है। 400 mA कंज्यूम हो रहा है, अभी रैम शायद नहीं लगी हुई है इस वजह से डिस्प्ले नहीं आया, तो मैं एक बार रैम कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। रैम कनेक्ट करने के बाद आपको डीसी मार्क से ही आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में डिस्प्ले आया या नहीं, ठीक है। ग्राफिक बोर्ड है, थोड़ा सा लोड ज़्यादा जाने वाला है इसमें, देख सकते हैं आप। अगर मैं आपको डिस्प्ले दिखा दूँ, तो मैं अभी आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ इसके अंदर। डिस्प्ले आ चुका है, तो कीबोर्ड कनेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पर देख सकते हो लाइट जो है वो जल रही है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी था 3542 को लेकर, ठीक है ना। तो जब भी स्टेप डाउन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो ध्यान रहे, पीएसएल लॉजिक को जरूर एक बार चेक करें। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं।